सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? और गाइस स्वागत है आप सभी का ताल बैठ के एक और नए एपिसोड में। और आज गाइस लिख के ले लो, ये वाला एपिसोड अभी तक का बेस्ट एपिसोड हमारे लिए होने वाला है। मैं जब क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस जो नए बंदे होंगे चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे दोस्तों। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारी पाल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट कर लेना। पाल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों को अभी तक के जितने भी एपिसोड हम लोग ने अपलोड करे ना, वो लाइन से देखने को मिल जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो गाइस आपको मेरे आवाज से पता ही चल रहा होगा कि आज तुम्हारा भाई जो है गाइस वो बहुत ही ज्यादा खुश है। अब इस खुशी के पीछे का राज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, रुको। हाँ, और गाइस एक थोड़ा सा टेंशन भी आ मेरे को, वो टेंशन क्या है वो भी बताता हूँ। आप लोग को थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देनी है गाइस इस गेम में, क्योंकि थोड़ा सा मेरे से ना एक चीज हो नहीं पा रही है। मैं बताता हूँ, रुको, पहले यहाँ पे टोकोडों को हटाओ, ये सारे टोकोडों को कटाना है। आपको बताओगा प्रीवियस एपिसोड्स में हम लोग ने जो है गाइस यहाँ पे टोकोडो को जो है गाइस भाई कितने अंडे दे दिए। हाँ अंडे तो देंगे यार, इतने ज्यादा नहीं, इतने ज्यादा अंडे तो देंगे ये, क्योंकि भाई मैं पूरा जो है ना गाइस 3-4 घंटे एप के गया था। मैंने आपको जैसे कि बोला था कि मैं 3-4 घंटे एप के जाऊंगा ताकि टोकोडो को उसके भर भर के अंडे हमको मिल सके। जिनको बताने में बता दूं, हम लोग टोकोडो को जो है गाइस उसका यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। जिनको बताने बता देता हूँ, ऐसा वर्जन जो जेट्रोगन जो बॉस है उसको तक मार सके। यस गाइस, टोकोडो को, ऐसा टोकोडो को जो जेट्रोगन की बैंड बजा सके, ऐसा टोकोडो को बनाने का काम जो है गाइस जो तुम्हारा भाई यहाँ पे कर रहा है। एंड रुको इधर, ये अपना मैंने यहाँ गाइस, रुको अभी बताता हूँ आपको, आपको बताता हूँ। मैंने ऑफलाइन में जो ना गाइस कल इतनी ज्यादा रिसर्च करी है ना इस गेम पे, इतनी ब्रीडिंग पे, इसका जो ब्रीडिंग है ना गाइस इस पे ऐसी मैंने भाई रिसर्च करी है ना कि मसलेड, लकी, जितने भी गाइस आप लोग नाम ले लो यहाँ पे, जितने भी ओपी ओपी वाले स्किल होते हैं, मसलेड हो गया, लकी हो गया, उसके बाद हो गया लेजेंड, उसके बाद आखिरी वाला कौन सा होता है, आखिरी स्किल कौन सा होता है गाइस, फ्यूरियस। ये चारों के चारों स्किल हम लोग किसी भी पैल के अंदर चुटकी बजा के डाल सकते हैं। ऐसी भाई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, ऐसे डाल सकते हैं। बताता हूँ मैं कैसे, रुको आपको बताता हूँ। ये शाइनी है क्या? हाँ, ये शाइनी को इधर डालो। रुको पहले मेरे पैल्स को लाइन से रखने दो मुझे। ए प्रोस्टेलियन मैक्स, वेयर इज द, वेयर इज माई प्रोस्टेलियन मैक्स ब्रो? हाँ हेड जी ऑलराइट। चलो जेट्रोगन भाई, पांच लेवल वाले जेट्रोगन कहाँ पे? रुको पहले ये अपना सब कुछ लेने दो। ये कल जो है गाइस मैं रिसर्च कर रहा था उसमें मेरे सारे पैल इधर उधर हो गए थे। हाँ, और ये जो सारी ब्रीडिंग है ये भी बंद क्यों करी है मैं बताता हूँ। मैंने ब्रीडिंग सिस्टम जो है ना गाइस वो क्रैक कर लिया है इस गेम का, ब्रीडिंग सिस्टम तुम्हारे भाई ने क्रैक कर लिया है। और थोड़ी सी यूट्यूब के ऊपर वीडियोज वगैरह भी मेरे को देखनी पड़ी ये सब कुछ करने के लिए, ठीक है। बट कर लिया भाई, तेरे भाई ने पूरा ब्रीडिंग सिस्टम जो है ना गाइस वो क्रैक कर लिया है। अभी पहले तो मुझे कुछ अंडे मेरे पास टोकोडो को, जो फालतू अंडे है मैं ऐसे ही गाइस उनको इनक्यूबेट कर लेता हूँ, ऐसे ही गाइस, ठीक है। इनकी मुझे जरूरत नहीं, बट अभी आ चुके हमारे पास तो इनक्यूबेट कर लेते हैं, क्या पता कुछ ढंग की चीज मिल जाए, ठीक है। इनको इनक्यूबेट करता हूँ। मेन वो सामने जो आप चीज देख रहे हो ये मेन है गाइस हमारे लिए, ठीक है। ये ऐसे मिल चुके तो इनको इनक्यूबेट करके बेच देंगे। हाँ, इसमें से अगर कुछ ओपी वाली चीज मिली तो फिर रख लेंगे यार उस टोकोडोको को, वरना मैक्सिमम टोकोडोको को हम लोग भाई बेचने वाले, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करो, देखो अच्छी चीज जो होती है वो थोड़ी देर से ही पता चलती है। सो मैं आपको बताता हूँ गाइस अच्छी चीज और कैसे गाइस हम लोग एक पैल के अंदर, मतलब हमारा जो फ्रॉस्टेलियन है ना गाइस, ये फ्रॉस्टेलियन, अभी इसके अंदर आप अगर आप देखोगे तो क्या क्या है, आइस एम्परर लेजेंड, इसके अंदर हम लकी भी डाल सकते हैं, मसल हेड भी डाल सकते हैं। अब बताओ गाइस, लकी मसल हेड दोनों ऐसे चुटकी बजा के भाई डायरेक्टली एक एपिसोड में इसके अंदर 4 गोल्डन स्किल आएगी, ऐसी ट्रिक मेरे को पता चली है, ठीक है। बता दो आपको, रुको कैसे करना है बताता हूँ। पहले सारे अंडे इनक्यूबेट करने दो मुझे, इनक्यूबेट हो चुके, हैच करने दो, मसलेड विसलेड जान दो यार, नहीं चाहिए हमारे पास। जो टोकोडो को मुझे चाहिए था वो पहले से पड़ा हुआ है, मसलेड और कौन था, फ्यूरियस, मसलेड और फ्यूरियस वाला जो हमारे पास टोकोडो को पड़ा है ना वो एक ही टोकोडो को मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर मसलेड एंड फ्यूरियस वाला एक और टोकोडो को यहाँ पे मिल जाता है, दोनों स्किल लेकिन एक ही के अंदर होनी चाहिए, ठीक। अलग अलग भी मिली तो भी थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, बट दोनों स्किल एक के अंदर चाहिए मेरे टोकोडोको के, तब गाइस कुछ मजा आएगा। और ऐसा टोकोडो को मेरे पास पड़ा हुआ है तो हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है, और मैं एक ही टोकोडो के अंदर 3 स्किल अभी डालने वाला हूँ, ठीक है आपके सामने।
आपके सामने सब कुछ मैं करने वाला। एक मिनट रुको, अंडे बाद में इनक्यूबेट करता हूँ ना, पहले काम कंप्लीट कर लेते यार, क्योंकि भाई वो ब्रीडिंग शीडिंग में थोड़ा टाइम लग जाएगा फिर। ठीक है ये पहले अंडे कलेक्ट कर लूँ मैं, ये अंडे कलेक्ट कर लूँ यार। मुझे कल जो है ना गाइस वो मैं ऑफलाइन गया था ना, तो ये वाली ब्रीडिंग बंद करनी चाहिए थी यार। मैंने ये वाली ब्रीडिंग बंद ना करके ना बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। अभी यहाँ पे भर भर के अंडे पड़े हुए, वो सारे अंडे मुझे इनक्यूबेट करने ही पड़ेंगे और कोई च्वाइस ही नहीं है हमारे पास गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये अंडे इनक्यूबेट एक साथ कर लूँगा और इसमें से जितने भी डोकोडो को निकलेंगे सबको बेच देंगे हम लोग सस्ते में, एकदम एकदम सस्ते में बेचेंगे। हाँ और कुछ पब्लिक बोल रही थी कि जीरो कर दो इनक्यूबेशन स्पीड, तो हम लोग अभी जो टोकोडो को बना रहे बॉस किलर उसके लिए हम लोग ने बस जीरो करके रखी है ये इनक्यूबेशन स्पीड, और वापस से जैसे बॉस किलर टोकोडो को बनेगा ना हम लोग गाइस ये सब कुछ नॉर्मल करने वाले। ठीक है गाइस ये सारे के सारे अंडे यहाँ पे डालने दो। और मुझे काफ़ी ज़्यादा बंदे बोल रहे हैं कि भाई अंडा जो हैच वाला भाई पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, स्किप करा करो। देखो जब हम लोग अंडों में से स्किल निकालते हैं ना तब मैं वो पार्ट भाई स्किप नहीं कर सकता, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा बंदों को लर्निंग भी मिलती है। बट ऐसे ही भाई हम लोग अंडे इनक्यूबेट करते हैं ना मैक्सिमम टाइम, तब मैं वो पार्ट स्किप कर लेता हूँ मेरे दोस्तों। ठीक है तब जो है ना कि जो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जब हम लोग भाई यहाँ पे स्किल निकाल रहे होते हैं तो थोड़ी सी लर्निंग भी मिलती है। काफ़ी बंदों के कमेंट भी आते हैं मुझे कि भाई थैंक यू हमको भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये ब्रीडिंग के बारे में पता चली है, सो इसलिए कैसे मैं दिखाते रहता हूँ। उनको पहले अंडे यहाँ पे डाल, यार ये अंडे डायरेक्टली बेच सकता काश में यार, ये पार्ट मुझे भी बोरिंग लगता है यार। अंडे इनक्यूबेट करने वाला, इनक्यूबेट के लिए डालने वाला नहीं, ये हैच करने वाला बहुत टाइम लेता है ये हैच होने में। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है भाई हमको और ज़्यादा जो है गाइस यहाँ पे फिलहाल के लिए इनक्यूबेटर चाहिए होंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रात हो चुकी है क्या? ठीक है ऊपर से मैं अंडे उठाता हूँ, मेरे पास जितने केक है वो इन सब इतने ब्रीडिंग सेंटर की ज़रूरत अभी गाइस मुझे एक्चुअली में पड़ेगी नहीं, पता है आपको, बट अभी मैंने बना लिए हैं नहीं है तो रहने देते हैं। ठीक है एक दो ब्रीडिंग सेंटर मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हमको। ठीक है चलो कोई ना, मैं यहाँ पे केक डाल के रख लेता हूँ। एक मैक्स टू मैक्स दो भाई, ठीक है मैक्स टू मैक्स दो ब्रीडिंग सेंटर चाहिए होंगे मुझे, एक से वैसे हमारा काम बन जाएगा। अभी हम लोग एक ही ब्रीडिंग सेंटर में काम 25 करने वाले रुको। अरे यार ये एक्सेस दो भाई, एक्सेस दो, ठीक है 102 केक देख रहे हो भाई, तेरे भाई के पास कितने ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है 98, ठीक है चलो अभी पहले तो मैं जाके सो जाता हूँ गाइस, पहले सो जाता हूँ यहाँ पे जल्दी से। भाई आसमान से नीचे गिरो भाई, भाई साहब आसमान से, हाँ नाइस जी लेट्स गो। चलिए पहले चल के जो है हम लोग सो जाते हैं, उसके बाद जो है इसमें अंडे इनक्यूबेट करता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा गाइस सीक्रेट। ठीक है सीक्रेट बताने वाला हो जिससे ऐसे ऐसे पैल अभी हम लोग बनाएंगे ना जो कि भाई सारे के सारे भाई एक एक फटके में टावर बॉसेस को मारेंगे, इतने पावरफुल वाले अभी मैं पैल बनाने वाला हूँ। तो अभी भाई ये पहले जो ऊपर 40 अंडे रखे हुए हैं वो इनक्यूबेट करता हूँ, लेकिन नीचे जगह ही क्या गाइस उतनी मेरे पैल बॉक्स के अंदर, भाई 40 अंडे तो इनक्यूबेट कर लूँ बट क्या उतनी जगह पड़ी हुई है हमारे पैल बॉक्स के अंदर, पता नहीं यार। ये अंडे वापस से डालो भाई, ये जल्दी जल्दी भाई 40 नहीं लगभग 50 अंडे इनक्यूबेट कर रहे हैं हम लोग। ये वेनगार्ड विनगार्ड मिल रहे हैं, क्यूरियस अगर अलग से स्किल मिल गया ना तो मज़ा आ जाएगा, अलग से स्किल मिल जाए मसलेट अलग से, ये बढ़िया है। ये टोकोडो को बचा के रखना है गाइस, खाली सिंगल मसलेट स्किल वाला मसलेट और फ्यू, ये भाई ओपी है टोकोडो का, ये जो अभी मिल रहा है ना हमको मसलेट और फ्यूरियस वाला, और मसलेट भी अलग से मिल गया मुझे, काफ़ी बढ़िया। ये अभी जो अंडे में इनक्यूबेट कर रहा हूँ ना काफ़ी काम आएंगे हमारे फ्यूचर में ब्रीडिंग के लिए। मसलेट मोटिवेशन लीडर फ्यूरियस, भाई तीनों में गोल्डन गोल्डन स्किल, बट अभी ज़रूरत नहीं है। ओह ये एक मिनट ये टोकोडो को इन्वेंटर में लेकर रखो, ये टोकोडो को जो हम काम करने वाले उसके लिए बेस्ट टोको है बेस्ट, इसको इन्वेंटरी में रखता हूँ। क्या काम करने वाले बताते गाइस रुको जरा सबर करो, पहले अंडे इनक्यूबेट करने दो ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ हमको खाली करना है। ये बेस्ट टोकोडो को मिला है मुझे अभी, बेस्ट भाई सबसे ज़्यादा बेस्ट। चलो मैं जल्दी से अभी है फ्यूरियस ना, नॉट दैट गुड, मजा नहीं आया। ये आखिरी वाला अंडा ये मसलेड और स्विफ्ट, अरे वाह टोकोडो के ऊपर बैठ के थोड़ी जाने वाले हम लोग। ओके चलो मसलेट खाली मिल गया काफ़ी बढ़िया। चलो अभी ये जितने भी अंडे हैं ना गाइज वो सारे के सारे मैं इनक्यूबेट करता हूँ, अगर किस्मत ने साथ दिया और हम लोग को इसमें लेजेंड मिला ना तो
तो मजा आ जाएगा। और अभी आपको आपकी मेरे को क्या हेल्प चाहिए मैं बताता हूँ गाइज, ठीक है? अगर हो सके ना गाइज तो मुझे ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बताना जो टोकोडोको के ब्रीडिंग में जो है ना गाइज लेजेंड लेके मुझे दे सके, ठीक है? मतलब लेजेंड जो स्किल होती है, जिनको समझाने में बताता हूँ, लेजेंड जो स्किल होती है खाली लेजेंडरी पैल के पास ही होती है। अगर हम लोग को वो स्किल किसी और पैल में चाहिए तो हमको उस लेजेंडरी पैल को जो है ब्रीड करना पड़ता है दूसरे पैल के साथ। उससे क्या होता है, जो लेजेंडरी स्किल है उस पैल में ट्रांसफर होते हैं और उनका जो बच्चा निकलता है ना वो बच्चे के पास वो लेजेंडरी स्किल आ जाती है। तो मुझे ऐसा कुछ कॉम्बो चाहिए जिसमें जो है ना कि टोकोडोको की ब्रीडिंग लेजेंडरी पैल के साथ हो सके, ठीक है? मैंने ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी बट लेजेंड वाला जो स्किल है ना वो मुझे बस भाई यहाँ पे मिल नहीं पा रहा। बाकी सारे स्किल मुझे मिल गए हैं, लेजेंड वाला स्किल टोकोडोको में कैसे ट्रांसफर करूँ ना मुझे समझ नहीं आ रहा यार ये चीज़। मैंने थोड़े से भाई वेबसाइट्स भी भाई यहाँ पे सर्च करी जिसमें मुझे कोई भी कॉम्बिनेशन मिला नहीं ऐसा। मतलब मुझे जो है ना कि 3-4 ब्रीडिंग करनी पड़ेगी लेजेंड जो स्किल है वो टोकोडोको में ट्रांसफर करने के लिए। काश यार ये स्किल ना ऑटोमेटिकली मिल जाती, इसमें मोटिवेशन लीडर वगैरह तो मिल रही है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वेनगार्ड वगैरह भी मिल रहा है। लगाया था मुझे गाइज फुल सेल करने टोकोडोकोस, आई नीड टू सेल माय टोकोडोकोस बॉयज। ऑल राइट बाय एलिमेंट करो एंड भाई पैल वाला मर्चेंट भाई तुम इधर आओ, पैल वाले मर्चेंट भाई इधर आओ। हाँ इसको सेल करने, टोकोडोकोस सेल करने। ओके मसल एड माइंड फॉर्मेंट सेल फ्यूरियस सेल, सिंगल स्किल वाले मोटिवेशन लीडर ये रखो, फ्यूरियस रनर ये रखो, बाकी सब सेल क्योंकि जो टोकोडो को मुझे चाहिए वो मिल चुका है, जो टोकोडो को चाहिए मुझे मिल चुका है। ये रख लो, ये सेल ये मसलेड वाला, सोलो मसलेड वाला रखेंगे, ये सेल ये भी सेल ये सारे सेल कर देने गाइस, हमारे किसी काम के नहीं है। मसलेड सोलो रख देंगे, ठीक है? जितने भी टोकोडो को हमको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे सेल करने हैं। जो सिंगल स्किल वाले हैं ना गाइज वो मुझे रखने, क्योंकि वो जो है ना गाइज मुझे आगे जाके वो स्किल ट्रांसफर करने के काफ़ी, देखो ऐसे सिंगल स्किल वाले वो बस बचा के रखने, वो अभी हमारे काम नहीं आएंगे आगे जाके फ्यूचर में काम आने वाले, सो इसलिए मैं उनको बचा के रख रहा हूँ, ठीक है? ये वेनगार्ड ये देखो, ये स्किल अगर किसी में ट्रांसफर करने तो टोकोडो का काम आएगा भाई। ब्लरी बॉडी ये रखो, ये भाई सेल करो, ये सेल, फ्यूरियस रख लेता हूँ एक, मसलेड ये नहीं रखने भाई, डबल ट्रिपल स्किलों की वो नहीं रखने। कितने हो गए टोकोडो को भाई, कितने हो गए? ऑलमोस्ट खत्म होने वाले भाई, ठीक है? अब ब्रेव रख लेता हूँ गाइज, लेजेंड मुझे लग नहीं रहा गाइज मिलेगा तो मैं ब्रेव ट्रांसफर करूँगा, लेजेंड मिलेगा नहीं गाइज क्योंकि लेजेंड के लिए टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा और मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और जो मैंने आपको भाई बोला है कि मुझे लेजेंड वाला कुछ कॉम्बो बताओ, अगर आपको आइडिया है तो बता देना, वरना मैं ब्रेव के साथ बना रहा हूँ अभी। ब्रेव भी 10% अटैक जो है जो इंक्रीज कर लेगा, ठीक है? और लेजेंड जो है वो हम लोग लेजेंडरी वाले पैल में डाल सकते हैं इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमको। बट इसके अंदर जो है ना लेजेंड डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है? सेल, ओके। कैन यू शो मी कितनी जगह खाली हो रही है? इनफ है, इजी पीजी भाई, ठीक है? ये उठाने तो मुझे भाई, यार कितने और टोकड़ों को उसके अंडे भाई ये करने हैं मुझे सच में यार। ये जो है ना कि इस ब्रीडिंग बंद करनी चाहिए थी कल जब मैं भाई एफ के गया था भाई 3-4 घंटे तक, वरना ये करना नहीं पड़ता। और अभी गाइस मैं आपको इसलिए गाइस ये दिखा रहा था कि आपको ये स्किल जो मिल रही ना, ये देखो वेनगार्ड भी मिले एक स्किल, इसको भी बचा के रखेंगे हम, ठीक है? ये सारी स्किल ना अनुबिस में चाहिए हमको, क्योंकि अनुबिस इकलौता ऐसा पहले जो सबके साथ यहाँ पे ब्रीडिंग कर सकता है, इकलौता भाई। लेजेंडरी वाले सारे के सारे भाई दूसरे पैल्स के साथ ब्रीडिंग कर सकता है, तो अनुबिस के अंदर अगर इसे मुझे सोलो स्किल मिल जाती है ना तो मुझे संभाल के रखनी है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं हमारे आगे जाके। फ्यूरियस मसलेड ना, फ्यूरियस और मसलेड मिला है, वो ब्लड ऑफ द ड्रैगन लेकिन ड्रैगन टाइप अटैक बढ़ाता है ना, तो ये हमारे काम नहीं आएगा ब्लड ऑफ द ड्रैगन, ठीक है? ब्रेव हमारे काम आ जाएगा। चलो 8 और अंडे, उसके बाद आपको मैं सीक्रेट बताने वाला हूँ गाइस यहाँ पे इस ब्रीडिंग का, ठीक है? और ये जो है गाइस मुझे भाई थोड़ा सा रिसर्च करने से यूट्यूब से और गूगल बाबा से भाई पता चला है, तो अभी मैं जल्दी से जो है ना गाइस यहाँ पे ये बचे हुए 5 अंडे जो है गाइस वो इनक्यूबेट करता हूँ,
और आपको बताओ गाइस कि आप किसी भी पाल के अंदर बड़े आराम से, बड़े आसानी से किस तरीके से जो है गाइस लेजेंड, उसके बाद अपना लकी, ये सारी स्किल जो है गाइस वो लेके आ सकते हो, ठीक है, ऐसे चुटकी बजा के बड़े आराम से, ठीक है। चलो ये हो गया, अभी गाइस आपको मैं बताने वाला हूं गाइस सीक्रेट। तो देखो, अगर लेजेंड की बात करें, लेजेंड स्किल जो है गाइस वो लेजेंडरी पैल्स के पास होती है। सो लेजेंडरी पैल्स से जो ना गाइस अब टोकोडोको तक वो लेके आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो मैं आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। अभी बात करते हैं लकी की। तो लकी गाइस ऐसी एक स्किल है जो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना, लकी ऐसी स्किल है जो सिर्फ और सिर्फ गाइस हमको देखने को मिलती है हमारे शाइनी पैल के पास। इसके पास लकी है क्योंकि ये शाइनी है, हमारा शैडो बैग, इसके पास लकी है क्योंकि ये शाइनी है गाइस, ठीक है। ये स्किल और किसी भी पैल, नॉर्मल पैल के पास आप लकी जिंदगी में ना देखोगे। लेजेंड देखने को मिल जाएगा बट लकी आपको नॉर्मल पैल के पास देखने को नहीं मिलेगा, जितने भी शाइनी है लकी, देन गाइस। तो अभी सवाल आता है कि लकी सिर्फ शाइनी के पास होती है तो किस तरीके से, ये देखो लकी क्योंकि ये शाइनी है, सारे शाइनी के पास आपको लकी जो स्किल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी आप सोच रहे होंगे फिर ये लकी स्किल जो है वो तुम टोकोडोको में कैसे भाई ट्रांसफर करने वाले हो, क्या सीक्रेट है भाई? तो बताता हूँ, रुको, अपना फ्रॉस्टेन मैक्स कहाँ पे, पहले उसको यहाँ पे रख लो भाई, हाँ ठीक है। तो आपको बता होगा कुछ टाइम पहले डेजर्ट में हम लोग को मिला था भाई ये हंग्यू, यह हंग्यू लकी ने हम लोग को शाइनी वेरिएंट मिला था और मैंने टाइम पास में ऐसे इसको कैप्चर कर लिया था। और ये हंग्यू जो है ना गाइस आज हमारे काम आया बहुत ज्यादा, क्योंकि हंग्यू प्लस केलिप्सा इग्निस जो है, अगर हम लोग इनकी ब्रीडिंग करते हैं ना तो हम लोग को टोकोडोको मिलता है। जैसे हम लोग ने फ्रॉस्टेलियन नॉक्ट निकाला था ना, फ्रॉस्टेलियन प्लस आई थिंक से शैडो बेक का ब्रीडिंग करा था तब जाके फ्रॉस्टेलियन नॉक्ट मिला था, सेम वैसे ही हंग्यू प्लस हम लोग अगर केलिप्सा की इग्निस की ब्रीडिंग करें तो टोकोटोको मिलेगा। बट यहाँ पे एक शॉकिंग चीज क्या है पता है, जब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं और समझ लो भाई इसके पास क्या है स्किल, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, और इस हंग्यू के पास क्या है लकी और फ्यूरियस। सो ये तीनों स्किल जो है गाइज ये कंबाइन होके हम लोग को जो बच्चा मिलेगा उसके पास मिलेगी, मतलब लकी, फ्यूरियस और इसकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, ये तीनों स्किल एक साथ हमको टोकोडोको जो निकलेगा उसके अंदर मिलने वाली है। चांसेस काफी कम रहेंगे बट यस, उसके अंदर ये तीनों की तीनों स्किल कंबाइन करके मिलेगी। और अभी मुझे ऐसा टोकोडोको चाहिए जिसके पास लकी और फ्यूरियस सिर्फ ये दो स्किल हो, और स्किल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और इसके लिए मैंने जो है गाइस यहाँ पे क्या करा है, जिनको भी गाइस ये ब्रीडिंग ट्रिक समझ नहीं आए मैं उनके लिए वापस से बताता हूँ। अगर आपको किसी भी पैल की, अगर समझ लो मुझे भाई इस फ्रॉस्टेलियन के लेजेंड गाइस ट्रांसफर करनी है इसके अंदर, इस पे पहले लेजेंड है बट समझ लो करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे मैंने डाला था टोको ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ भी डाल दो और साइड का नाम है ये palworldtrainer.com। यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे व्यू ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन में जाना है। यहाँ पे मैंने टोकोडोको सिलेक्ट करा है, तो टोकोडोको किस तरीके से आपको मिलेगा इसके कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए है। देखो विलीपोप और चिपीकी को अगर ब्रीड करोगे तो टोकोडोको मिलेगा। सो इसी कॉम्बिनेशन में से मैंने कौन सा कॉम्बिनेशन निकाला, ये पैंजी और हंग्यू का भी था और हम लोग ने हंग्यू प्लस केलिप्सा ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करा है, उससे हम लोग को टोकोडोको मिलेगा। सो यहाँ पे आपको किसी भी का, समझ लो मुझे किस में चाहिए था, वो शैडो बेक में समझ लो लेजेंडरी चाहिए स्किल, तो कैसे निकलेगी, एस्टोगोन और किट्सन, तो एस्टोगोन के पास लेजेंडरी स्किल होती है, तो एस्टोगोन लेजेंडरी स्किल वाला और किट्सन नॉर्मल स्किल वाला जो है वो मुझे यहाँ पे ब्रीड करना है, जिससे एस्टोगोन की लेजेंडरी स्किल जो है किट्सन के साथ ब्रीड करने के साथ शैडो बैग में ट्रांसफर हो जाएगी। समझ गए कैसे आप लोग? उसी तरीके से यह हमारा हंग्यू जो है लकी स्किल वाला, उसकी मैं ब्रीडिंग करूंगा केलिप्चा के साथ, और इन तीनों की स्किल ट्रांसफर होगी हमारे टोकोडोको बच्चे के अंदर, और इन्हीं के भर भर के कचरे की तरह अंडे आपको यहाँ पे अभी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में मैंने इनकी काफी ज्यादा ब्रीडिंग करी है। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, सारे अंडे उठा लिए, 16 अंडे, 16 अंडों में से बस मुझे एक ऐसा टोकोडोको मिलना चाहिए जिसके पास लकी स्किल हो, ठीक है, क्योंकि लकी जो है गाइस ओनली शाइनी के अंदर ही होती है। बट हम लोग ने क्रैक कर लिया यहाँ पे ब्रीडिंग सिस्टम, तो ये लकी स्किल हमको टोकोडोको के अंदर भी
अभी यहाँ पर ट्रांसफर करके मिल जाएगी। तो अभी जो मैं अंडे इनक्यूबेट कर रहा हूँ, ये अंडे काफी काम हमारे आने वाले, बस हमको जो है इसमें से लकी स्किल वाला टुकड़ों को मिल जाए। क्या वर्क करा है लकी स्किल उस शाइनी के अंदर? इस टुकड़ों के पास भाई आ चुकी है शाइनी से लकी भाई भाई, फर्स्ट अंडा लकी प्लस फ्यूरियस, ठीक है मिल गया। चलो अभी बचे हुए अंडे भी इनक्यूबेट कर लेता हूँ, जो चाहिए था मिल चुका है। लकी भाई सबके अंदर लकी बॉयज, हेलो हेलो, आगे आगे बताओ गाइस। ये लो ये बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट टुकड़ों को मिला है मुझे, यही चाहिए था जो सोलो लकी वाला मिला है, बाकी और कुछ नहीं, सब काम खत्म। अभी यहाँ पे मुझे इसको बंद कर देना, ठीक है गाइस, मुझे इसको वो कर देना, रुको अभी मुझे और अंडों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मिल चुका है भाई। ब्रीडिंग बंद, ब्रीडिंग बंद जल्दी हो गया गाइस, हो गया काम, हो गया इनकी ब्रीडिंग बंद, ठीक है। तो लकी टुकड़ों के पास हमको मिल चुकी है, अभी आगे का प्रोसीजर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सोलो लकी वाला जो अभी मुझे मिला है ना, सोलो लकी वाला एक टोकोडो को, वो हमारा होने वाला है यहाँ पे बेस्ट टोकोडो को, और उसी से हम लोग जो है गाइस यहाँ पे बॉस किलर टोकोडो को निकालेंगे, ठीक है। फ्यूरियस मसलेड लकी, व्हाट ड्यूड, फ्यूरियस मसलेड लकी तीनों एक ही में मिल गया भाई, लेकिन उसके साथ एक और स्किल मिली जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। वहां पे मुझे डालना है, वहां पे मुझे डालनी थी कौन सी वाली स्किल, या तो मैं ब्रेव डालूंगा, या तो एक है एक कौन सी थी बावड़ी वाली कुछ तो स्किल थी ना, वो पागल करने वाली, पागल से एक स्किल थी वो डाल दे, एग्रेसिव डाल देना है या ब्रेव डाल देना है। एग्रेसिव और ब्रेव में से कौन सी वाली सबसे पावरफुल है वो देखने दो मुझे, ठीक है ये देखने दो, ये पहले यहाँ पर डाल दो, ये यहाँ पर डालो, एग्रेसिव और ब्रेव इन दोनों में से जो है ना गाइस एक स्किल मुझे डाल देने, मतलब हमारे पास होगा लकी मसलेड और ब्रेव या एग्रेसिव या और होगा अपना दूसरा फ्यूरियस, ये चार स्किल वाला टुकड़ो को होगा। लेजेंड में नहीं डाल रहा हूँ, लेजेंड नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। सारे अंडे इनक्यूबेट कर लिए अभी गाइस हम लोग को चाहिए सारे अंडे, हाँ इनक्यूबेट हो चुके हैं, तो हम लोग को चाहिए अभी अरे यार वो टुकड़ो को, अरे मैंने बाय लेवल कर दिया क्या, प्रॉब्लम हो गई अभी थोड़ी। ओके सोलो लकी वाला ढूंढो, सोलो लकी वाला, ये सोलो लकी वाला टुकड़ो को ये यहाँ पे डालो, एंड क्या है भाई मेल है, मैन, और जो मुझे वो मिला था वो भी मेल था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, फ्यूरियस और मसलेड नहीं फीमेल है, ओके फ्यूरियस और मसलेड बराबर। इन दो टोकोडोकोस की अभी ब्रीडिंग करेंगे, इससे क्या होगा इसके पास फ्यूरियस और मसलेड जो है वो स्किल और उसका लकी, वो तीन स्किल कंबाइन होके एक टोकड़ो को बनेगा, ठीक है। और जो टोकड़ो को मिलेगा उसको मुझे वापस से यहाँ पे ब्रीड करना पड़ेगा, ठीक है गाइस, ऑलराइट उसको वापस से ब्रीड करना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा यार, ऑफ कोर्स भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा। ओके चलो इनके पास तीन चार अंडे मिल जाए या पांच अंडे मिल जाए हमारा काम हो जाएगा। ओके अभी मुझे देखने दो कि इनमें किसी में सोलो ब्रेव, सोलो ब्रेव वाला टुकड़ों का हमारे पास है, सोलो ब्रेव वाला है ना हमारे पास, सोलो ब्रेव, ओनली ब्रेव चाहिए टुकड़ों को हमें, सिर्फ एक ब्रेव और कुछ नहीं, सिर्फ एक ब्रेव स्किल चाहिए ऐसा मेरे पास, मेरे हिसाब से एक टुकड़ों को पड़ा हुआ है जिसके पास खाली एक ब्रेव वाली स्किल है, एक ब्रेव और एक मिनट जो ब्रेव और वो कौन सा था दूसरा वाला कौन सा था स्किल का जो मैं देख रहा था, ब्लड ऑफ ड्रैगन नहीं था, कहाँ पे चला गया वो स्किल, पागल करने वाला वो स्किल था ना कोई, तो यार कौन सा स्किल था वो, ब्लड ऑफ ड्रैगन नहीं यार, ये भी नहीं, कौन सा स्किल था यार वो, मैं नाम भूल जाता हूँ स्किल का, इतनी स्किल्स हैं। बाय एलिमेंट करो यार, बाय एलिमेंट करो जल्दी से, हाँ टोकोडो को मैं एग्रेसिव, एग्रेसिव में क्या मिलता है हमको, एग्रेसिव में डिफेंस कम होगा लेकिन अटैक 10% बढ़ेगा, ब्रेव में भी सेम चीज़ है ब्रेव में, बट उसमें डिफेंस कम नहीं होगा हमारा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ब्रेव में भी यही चीज़ है बट डिफेंस कम नहीं होगा, लेट मी चेक आ गाइस, ब्रेव 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 कम ऑन ब्रेव, ब्रेव कहाँ पे है, ब्रेव कहाँ पे चला गया, मैंने सोलो ब्रेव देखा था इसमें गाइस, एक मैंने सोलो ब्रेव जो है वो एक टोकड़ो को मैं देखा था, ये बेच दिया क्या मैंने उसको,
ये रहा जी जी। ब्रेव में क्या होता है, ब्रेव में ओनली 10% अटैक बढ़ेगा। ये टोकोडोको चाहिए मुझे, बाय एलिमेंट बाय लेवल ये टोकोडोको गाइज हम लोग को चाहिए। तो अभी गाइज हम क्या करेंगे, ये दो जो टोकोडोको है गाइज इनका ब्रीडिंग चल रहा है, इनमें से जो गाइज अंडा निकलेगा उसमें हम लोग को 3 स्किल मिलेगी, लकी, उसके बाद लकी और फ्यूरियस और मसल हेड। अभी आप सोचेंगे कि मैंने इनको मतलब खास ऐसे ही क्यों ब्रीड करा है, तो ध्यान से देखना, अगर इनके साथ अगर कोई और स्किल होती है, लाइक ये अर्थक्वेक रिजिस्टेंट हो गई है, गोल्डन स्किल नहीं है, नॉर्मल स्किल है, वो अगर इनके साथ चिपकी हुई होती है ना, तो वो भी गाइज इनमें ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा अगर नहीं चाहिए तो खास करके ऐसे पैल ढूंढो जिनके पास सिर्फ वही दो गोल्डन स्किल हो जो हमको चाहिए, जैसे इसमें फ्यूरियस और मसल हेड है जो हमको चाहिए, और इसमें गाइज सिर्फ और सिर्फ लकी, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि हमको एक दो अंडे में ही ऐसा टुकड़ों को मिले जिसके पास ये तीनों के तीनों सिर्फ स्किल हो और कोई स्किल ना हो। तो ये तीनों स्किल जब मिलेगी हमको एक ही टोकोडोको के अंदर और कोई फालतू स्किल नहीं मिलेगी, तो उस टोकोडोको को हम ब्रीड कराएंगे अपने इस ब्रेव वाले टोकोडोको के साथ। तो हमको 4 स्किल मिलेगी, ब्रेव, लकी, फ्यूरियस और मसल हेड, और हमारा बॉस किलर टोकोडोको बन के रेडी हो जाएगा गाइज। बताओ कैसी लगी टिप्स एंड ट्रिक्स भाई, ठीक है। फुल ब्रीडिंग हम लोग ने क्रैक कर लिया है यहाँ पे। अभी हम लोग जो फ्रॉस्टेलियन है ना गाइज, इसको ऐसा बनाएंगे ना, 4 गोल्डन स्किल वाला फ्रॉस्टेलियन में ऐसे चुटकी बजा, भाई एक काम करते हैं ना, मैं एक चुटकी बजा के क्यों अभी शुरू कर देता हूँ। रुको, हमारे ब्रीडिंग सेंटर वैसे भी खाली पड़े हुए, एक तरफ टोकोडोको बनेगा, एक तरफ हमारा फ्रॉस्टेलियन बन जाएगा। बॉयज क्या बोलती पब्लिक, इजी पीजी, लेट्स गो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, एक तरफ टोकोडोको, एक तरफ भाई हमारा फ्रॉस्टेलियन, ठीक है। तो फ्रॉस्टेलियन भाई बाय एलिमेंट करो, पहले बाय एलिमेंट करो, बाय एलिमेंट करो, फ्रॉस्टेलियन भाई निकालो। फ्रॉस्टेलियन भाई कहाँ पे हमारे, हाँ ये रहे फ्रॉस्टेलियन भाई। हमको क्या चाहिए, हाँ ये तो एक है जो मेरे पास है, वो एक कर लूँगा मैं, चलो ठीक है। सीरियस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, आइस लेजेंड, आइस एम्परर लेजेंड, मसल हेड और फ्यूरियस, बराबर मसल हेड और फ्यूरियस, बराबर गाइस, मसल हेड और फ्यूरियस, मसल हेड और फ्यूरियस, इनमें किसी के पास है लेजेंड और आइस, आइस एम्परर, ये स्किल बढ़िया है। ये वाला कौन है, लेजेंड और आइस एम्परर ना, इस वाले को यहाँ पे बाहर निकाल के रखो, ये हमारे काम आएगा, लेजेंड और आइस एम्परर। और ऐसा कोई पाल ढूंढना है जिसके पास मसल हेड और फ्यूरियस हो, ओके, और उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ हो, फ्रॉस्टलैंड के साथ, ठीक है, ओके नाइस। इसके पास फ्यूरियस है, इसके अंदर फ्यूरियस तो दिख रही है मुझे, मसल हेड नहीं है क्या किसी के अंदर, मैं किसी के अंदर मसल हेड है नहीं है ना, किसी के पास भी मसल हेड नहीं है, तो मुझे मसल हेड है, फ्यूरियस भी है, ओके नाइस, जी 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 जी, मेल फीमेल, ठीक है। तो पहले मसल हेड और फ्यूरियस जो है ना गाइज, ये स्किल हम लोग यहाँ पे बाहर निकालते हैं, बराबर, मसल हेड और फ्यूरियस, ये स्किल हमको यहाँ पे बाहर निकालने, इनमें से ये दोनों में से, इसके पास फ्यूरियस है, इसके पास है मसल हेड, तो हमको ऐसा टोकोडो को ढूंढना है, निकालना है मतलब, जिसमें ऐसा फ्रॉस्टलैंड निकालना है जिसके पास फ्यूरियस और मसल हेड, ये स्किल जो है गाइस वो अवेलेबल हो, ठीक है। और वही काम मैं अभी कर रहा हूँ, जेंडर फीमेल कहाँ पे, ये रही, इस फीमेल को यहाँ पे बाहर निकालते हैं। सो इसके अंदर जो मसल हेड है, अरे यार ये कौन आ गया भाई यहाँ पे, ये भाग रहे, अरे यार फीमेल कहाँ पे चली गई, ये रही फीमेल, मैडम जी तनिक इधर आइए, उधर मत जाइए, ठीक है। सो इसके अंदर है मसल हेड, इसके अंदर है फ्यूरियस, सो ये दोनों स्किल कंबाइन होके एक जो है ना गाइस हमारे फ्रॉस्टेलियन के पास आने चाहिए, और जैसे ही वो होगा तो आइस एम्परर और लेजेंड वाला जो मसल हेड अपना फ्रॉस्टेलियन है वो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, ये रहा आइस एम्परर और लेजेंड, इसके साथ उसका ब्रीडिंग कराऊंगा और 4 गोल्डन स्किल वाला फ्रॉस्टेलियन हमारे पास ऐसे ही चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है। डन। अभी करो यहाँ पे बाय लेवल। अभी अपना जेट्रोगोन निकालो यहाँ से, भाई लेवल 5 वाला जेट्रोगोन भाई कहाँ पे, ये रहा, लेट्स गो बॉयज। गाइस क्या लग रहा है, पहले ही टोकोडोको में जो पहले टोकोडोको के अंडे में जो हम लोग को स्किल चाहिए थी वो मिल सकती है, मतलब इन तीनों की स्किल कंबाइन करके पहले वाले टोकोडोको में, क्या हमारा लक इतना अच्छा है, क्या हम लकी हैं, आ जाओ चेकआउट कर लेते हैं।
चेक करते हैं, पहली बारी में नहीं मिली। थोड़ा टाइम लगता है गाइस, ऑफ कोर्स भाई थोड़ा टाइम लगेगा, पहली बारी में नहीं मिलेंगी हमको, लगभग भाई 10 अंडे जो है गाइस वो इनके इंक्यूबेट करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग को जो टोकड़ो को चाहिए वो मिलेगा। एंड उसके बाद उस 10 अंडों में से जो एक टोकड़ो को मिलेगा उसको हम लोग भाई ब्रेव वाले टोकड़ो को एक साथ ब्रीड करा लेंगे। ईजी दे पीजी बोल दे बॉयज, ठीक है। चलो तो अभी फिर गाइस उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी ब्रीडिंग सिस्टम जो है गाइस वो यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और हम लोग जो है गाइस अभी यहाँ पे 4 गोल्डन स्किल वाला ऑस्ट्रेलियन और 4 नहीं यहाँ पे 3 ही निकलेगी, 3 गोल्डन स्किल और 1 ब्रेव स्किल वाला टोकोडो को जो है गाइस वो बनाने का काम शुरू हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। और आने वाले एपिसोड में मतलब आज ही के दिन आपको 4 गोल्डन स्किल वाला ऑस्ट्रेलियन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 4 गोल्डन स्किल वाला ऑस्ट्रेलियन आज के जो एपिसोड हो गए बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और उम्मीद कर रहा हूँ जो ब्रीडिंग सिस्टम है गाइस वो अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे वर्क करता है, जो मैंने गाइस आपको समझाया उससे आप लोग जो है गाइस अच्छे से बड़े आराम से कोई भी भाई जो आपका पैल है उसके अंदर 4 गोल्डन स्किल जो है वो डाल सकते हो। हाँ बस ब्रीडिंग में जो है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तुरंत ही जो है गाइस ब्रीडिंग करके 4 गोल्डन स्किल नहीं मिलेगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस आप लोग भाई 2-3 घंटे की भाई ब्रीडिंग के साथ आप किसी भी भाई पैल के अंदर 4 गोल्डन स्किल डाल सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये ट्यूटोरियल आपके काफ़ी ज़्यादा काम आई होगी। और हाँ ये थोड़ा सा बोरिंग सा एपिसोड था क्योंकि इसमें हम लोग ने ब्रीडिंग ही करी है, बट मैंने अच्छे से आपको ब्रीडिंग समझा दी है। और अभी हमारे पास ऐसे ऐसे पैल्स आने वाले ना गोल्डन स्किल वाले जो चुटकियों में भाई डिस्ट्रॉय कर देंगे सारे बॉसेस को, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाले आने वाले एपिसोड में, तो आने वाले जो एपिसोड है पैल वर्ल्ड के वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एंड अगर आज का ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी आज का पैल वर्ल्ड का ये वाला एपिसोड हो जाता है गाइस यहीं पे खत्म, मिलते हैं पैल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय-बाय। जब से थे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और पैल वर्ल्ड नाम की हमारी गाइस प्लेलिस्ट है जहाँ पे सारे के सारे A to Z एपिसोड अभी तक हम लोग ने जितने भी यहाँ पे अपलोड करे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सो उस पैल वर्ल्ड नाम की प्लेलिस्ट को भी जरूर से चेकआउट कर लेना मेरे दोस्तों। सो चलो आज का ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय गाइस। Late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.